Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 3. How are all of you? I hope you are fit and fine and enjoying your online classes. Let's start our lesson. Today we have to study the lesson number 2 of science subject, and the topic is knowing vital organs. हमारे जिस्म में जो अहम अज़ा हैं, हमारे जिस्म में जो अहम ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स. हमारा जिस्म जो है वो हड्डियों से बना हुआ है. मसल्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, और इसमें पट्ठे भी हैं, अजलात भी हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स और मुख्तलिफ अज़ा भी हैं. अब ये देखें, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं. बोन्स अलहदा चीज़ें हैं, मसल्स अलहदा चीज़ें हैं, और ऑर्गन्स अलहदा चीज़ हैं, ठीक है. तो हमारा जिस्म जो है वो हड्डियों, मसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स से, अज़ा से मिलकर बना है. दीज ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज़. ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये सारे अज़ा जो हैं, ये शक्ल और साइज़ के लिहाज से, जसामत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं. ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू डू, और हर ऑर्गन जो है वो अपना एक ख़ास काम करता है हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में एक ख़ास काम करता है. टुगेदर दीज ऑर्गन्स कीप अस अलाइव, और मिलकर ये सारे अज़ा मिलकर हमें ज़िंदा रखते हैं, ठीक है. अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारी बोन्स हैं, आपने देखा होगा हमारी हड्डियाँ हैं, फिर हमारे पट्ठे हैं, मसल्स पट्ठे, ठीक है, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मुख्तलिफ हैं. जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारे फेफड़े हैं, दिल है, दिमाग है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये सारे, इनका साइज़ भी मुख्तलिफ है, इनकी शेप भी मुख्तलिफ है, ठीक है. तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये हमारे जिस्म में एक, अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द एक एक ख़ास काम किया हुआ है, एक एक ख़ास काम लगाया हुआ है इनके सुपुर्द, ठीक है. तो ये अपना अपना काम करते हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी ख़राब हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं. अब आ गया इन्वेस्टिगेटिंग द ऑर्गन्स. इन ऑर्गन्स के बारे में हमने अब इन्वेस्टिगेट करना है, हमने पढ़ना है, हमने दरियाफ्त करना है कि ये ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं. We already know that all living beings are made up of cells. हम में से हर कोई ये जानता है कि सब जानदार जो हैं वो एक हुलिये से बनते हैं, ठीक है, उसकी बेसिक जो है वो एक हुलिया है. A cell is the smallest unit of our body. सेल जो है वो हमारे जिस्म का सबसे, यानी हुलिया जो है वो हमारे जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है. Which has many different kinds of cells, जो कि मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बना, यानी पहले बेस सेल बनता है, फिर मुख्तलिफ सेल मिलकर हमारे आगे से बॉडी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो इसमें विच हैज़ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, हमारे जिस्म में बहुत किस्म के सेल्स मौजूद हैं. सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिशू. सेल्स जब मिलते हैं तो फिर वो एक टिशू बनाते हैं, ठीक है, एक जिसको हम मजमूआ कहते हैं, गुच्छा बनाते हैं. जब मुख्तलिफ सेल्स मिलते हैं तो फिर वो एक टिशू बनता है. टू और मोर टाइप्स ऑफ टिशूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. दो या दो से ज़्यादा एक ही जैसे जो टिशूज़ होते हैं, टू और मोर टाइप्स ऑफ टिशूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. दो या उससे भी ज़्यादा किस्म के हुलिये जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. विच हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म, जो कि हमारे जिस्म में एक ख़ास किरदार, स्पेसिफिक टास्क, एक ख़ास काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आवर बॉडी. मिसाल के तौर पर दिल जो है वो हमारे जिस्म में खून जो है उसको मुहैया करता है, पम्प करता है, भेजता है पूरे जिस्म में, ठीक है. एंड द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इनसाइड स्ट्रक्चर, और जिल्द जो है हमारी वो हमारे अंदरूनी अज़ा की, अंदरूनी साख्त की हिफाजत करती है फ्राम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल से, यानी हमारे बैरूनी माहौल से वो हमें बचाती है. यहाँ तक आप अभी करें इसको, ये आज की आपकी रीडिंग, ये थोड़ी सी टफ है रीडिंग, तो आप यहाँ तक इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है.